देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इटावा पुलिस द्वारा जनपद ग्वालियर से 15,000 के इनामिया हत्या का प्रयत्न एवं लूट के अभियोग में वांछित अभियुक्त को एक अवैध देसी पिस्टल सहित किया गया गिरफ्तार। थाना चकर नगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संदिग्ध वाहन चेकिंग करते समय मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर नगला चौक तिराहे चकर नगर पर एक अभियुक्त को अवैध असला शहर गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि ग्राम बिलारी का निवासी बताया जा रहा, जो अपने ही साथी के साथ झगड़ा होने का बदला लेने जा रहा था। वह हत्या के आरोप में जनपद ग्वालियर से 15,000 का इनामी आवे बताया जा रहा है। आज चकर नगर पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और इस पर ग्वालियर से भी 15,000 का इनाम था। पूरा घटनाक्रम यह है कि 22 तारीख में थाना चक्रनगर क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी। एक व्यापारी हैं धर्मेंद्र ठेकेदार, उनको जान से मारने की नीयत से कुछ लोगों ने फायर किया था। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। जो नामजद अभियुक्त थे उनकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी। आज पुलिस को एक शातिर अपराधी मुखबिर की टिप ऑफ पे मिला, उसे गिरफ्तार किया गया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सुधीर सिंह परिहार बताया, जो बिठोली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जब इससे और सघन पूछताछ की गई तो इसने खुद ही बताया ये ग्वालियर में एक हत्या में वांछित है। इससे पहले भी कई मुकदमों में विभिन्न राज्यों में, दिल्ली में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में ये घटना कारित कर चुका है तथा जेल जा चुका है। चकरनगर क्षेत्र में भी ये जेल जा चुका है। ये एक उत्कृष्ट कार्य इनके द्वारा किया गया है, क्योंकि इसका उस क्षेत्र में आतंक था। लोगों से ये चोट वसूली भी करता था। कई बार लोग इसके भय के कारण बताते नहीं थे। इसके कुछ और सहयोगी भी हैं जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।